हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एन बी रिबॉन्ड डे टू डे फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू जो आपके जुड़े हुए हैं आई सी इंजन से, ठीक है। आई सी इंजन से बेस्ड हैं, सारे आई सी इंजन पे बेस्ड हैं। और इसमें हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स आपके, और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो साइकिल्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। देखते हैं फटाफट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि वो उनके एफिशिएंसीज पे, उनके फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से टर्म क्या क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रॉन्ग आपको मार्क नहीं करना है, टिक नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है इससे, सबसे पहले आप देखिए ज़रा इधर, ऑटोसाइकिल थर्मल एफिशिएंसी, ऑटोसाइकिल की थर्मल एफिशिएंसी कितनी है विथ यूजुअल नोटेशन दिया हुआ है। आर जो आपका कंप्रेशन रेशियो है एंड गामा जो है वो एडियाबेटिक इंडेक्स है, ठीक। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑटो साइकिल मीन्स क्या होता है। ऑटो साइकिल मीन्स पेट्रोल साइकिल। पेट्रोल साइकिल है तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर मैं इसका पी वी और टी एस डायग्राम बताऊँ आपको, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी वी डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वी है और ये क्या है आपका पी है। 1 2 कंप्रेशन, 3 2 3 एंड 3 4, ठीक। ये हो गया आपका, इसमें दो आपके आइसेंट्रॉपिक हो गए, ठीक। जिसमें आइसेंट्रॉपिक मींस क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस करवा रहा था, तो एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट होती है और यहाँ पे क्या है, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड हो रहे हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक। देखते हैं यहाँ पे फिर क्या क्या है इसके बाद, और ठीक है। देखिए फॉर्मूला इसका क्या बोला गया है एफिशिएंसी का, आप ना इसी वीडियो को रोक करके ऑप्शन बता दीजिए, उसके बाद जो है कंटिन्यू करिएगा। तो इसके जो है यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका ईटा इक्वल क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन आर सी क्या है यहाँ पे, ये कंप्रेशन रेशियो आर सी, ठीक है। आप छोटा सी लिख दीजिए, आर सी की पावर क्या है ये गामा माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट वन, पहला आपका ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेम टर्म सेम क्वेश्चन से यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है। रिपीटेशन है इन द सेंस क्या है, आपके जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको अच्छे से देखना है। इसे देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे बस करा क्या गया, देखिए वही अब सेम वही वन पावर नहीं होता है, ये प्लस में नहीं होता, ये भी नहीं होता, माइनस में होता है, गामा माइनस वन वहाँ पर नीचे लिखा था, यहाँ पर जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो आपका एफिशिएंसी क्या है, पहले समझ लेते हैं उसका क्या क्या होता है, ठीक, देखते हैं फिर। और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसकी, डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है आपका भाई, कट ऑफ रेशियो इसमें और गामा कंप्रेशन रेशियो, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 माइनस 1 अपॉन गामा आर की आपकी पावर गामा माइनस का 1 एंड फर्स्ट में कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पे क्या होता है आपका आर सी जो है कट ऑफ रेशियो होता है, ठीक, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई द आर सी माइनस का 1, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 अपॉन गामा आर की पावर गामा माइनस 1, आर सी की पावर गामा माइनस 1 एंड आर सी कंप्रेशन रेशियो जो आपका है, उसके बाद आर सी यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो माइनस का 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बेहतरीन है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है इसमें कि इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज, ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो का इंक्रीज कर दिया गया 5 to 7, न्यूमेरिकल पार्ट है आपका इसका, अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना इंक्रीज हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है गामा की वैल्यू क्या है, 1.5 होती है एयर के लिए, 1.5, तो यहाँ पर निकालते हैं। बोला है कि कंप्रेशन रेशियो जो है इसका आपका, यानी कि आर के पावर जो गामा माइनस 1 होता है, उसमें चेंज कर दिया गया है, पहला था वो 5, अभी क्या कर दिया है 7 कर दिया गया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा, यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालते हैं पहले, तो 1.5 माइनस का 1 यानी कि 1 बाई 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 7 बाई 5, ठीक, 7 बाई 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.18, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसे नहीं आएगा तो बताना, फिर रूट निकालते हैं जैसे डिवाइड मेथड से। उसके बाद क्या होता है हमारा, 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, तो क्या आएगी 1 अपॉन 1.8 डिवाइड बाई
सॉल्व करेंगे इसको भी तो कितना आ जाएगा आपका 0.845, और वन माइनस होता है अभी सेम प्रीवियस अपने क्वेश्चन में देखा कि एफिशिएंसी वन माइनस होती है, वन में से इसे माइनस कर देंगे 0.845, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 0.14 मीन्स 14%, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन द लोड ऑफ एन इंजन इंक्रीजेज इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूड एंड व्हेन द डिक्रीजेज इट्स लेस द फ्लूड इज रिक्वायर्ड द सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूड ऑफ द इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। क्या जो वर्किंग फ्लूड होता है वो डी स्लाइड वॉल, फ्लाई वॉल, फ्लाई व्हील, गवर्नर और क्या है ये मेयर्स एक्सपेंशन वॉल्व, ये सारी बातें समझनी होंगी। चारों ऑप्शन दिए हुए, सबसे पहले इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या है ये डिवाइस वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्या बोला गया आपका, बोला गया है कि जब लोड इंक्रीज होता है तो फ्यूल की सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ती है, और जब लोड कम हो जाता है फ्यूल की सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन, गवर्नर। ठीक, अभी डी स्लाइड वॉल्व क्या होता है, स्टीम इंजन, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टीम इंजन के ऊपर इस काम करता है ये। आपका फ्लाई व्हील क्या होता है, ये फ्लाई व्हील जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, ये आपके इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर लगा होता है, आगे की तरफ पहिया लगा होता है ऐसे बड़ा सा कास्ट करा हुआ, इसे कहते हैं फ्लाई व्हील। मेयर्स एक्सपेंशन वॉल्व ये भी क्या होता है, स्टीम इंजन का होता है, ये भी नहीं हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, ये भी नहीं हो जाएगा, फ्लाई व्हील भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा और हम कि गवर्नर जैसे स्पीड बढ़ जाता है आपका, कई सारे गवर्नर होते हैं, था आपका थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है ये वैसे इस टाइप से, तो करेंगे हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी स्लाइड वॉल्व क्या होता है, और एक क्वेश्चन भी साथ में है, तो इसके दोनों के आंसर्स देख लेते हैं क्या होता है, और उसकी वर्किंग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन है कि डी स्लाइड वॉल्व इज ऑल्सो नॉन एज डी स्लाइड वॉल्व, डी शेप का दिखता है इसलिए इसका नाम क्या है, डी स्लाइड वॉल्व है ये, ऐसे ये हट जाता है इधर से, इस तरफ हटेगा यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर से गैस इधर आती है, इधर से इधर इंटर करती हैं, ये काम है इसके, इसके भी चार प्रोसेस है। पता आपको पूछ लेता है कि कहाँ यूज होता है, किस चीज़ के लिए काम किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इनसाइड एडमिशन वॉल्व, आउटसाइड और पिस्टन स्लाइड वॉल्व, कहाँ पे इसका यूज होता है, देखिए इसका यूज होता है क्या, आउटसाइड द एडमिशन वॉल्व, स्टीम इंजन में इसका यूज होता है डी स्लाइड वॉल्व का। ओके, ये डायग्राम इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन ऑफ डीजल इंजन, क्या बोला गया है, क्या पिस्टन ऑफ डीजल इंजन, पिस्टन का मतलब क्या है, ये सिलेंडर हो गया आपका, तो ये पिस्टन हो गया, ये जो लगा हुआ है ये पार्ट आपका, ये क्या है, ये पिस्टन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, पिस्टन ऑफ डीजल इंजन यूजुअली कूल्ड बाय, पिस्टन को कूल कैसे करते, क्योंकि यहाँ पे तो कंबशन होता है, कंबशन होगा तो सिलेंडर भी हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा आपका, जितना यहाँ पे हीट डेवलप होगा वो पिस्टन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, तो पिस्टन कूल कैसे होता है, आपको पता है लुब्रिकेंट भी भरा होता है, कैसा है सिस्टम है, स्प्लैश सिस्टम की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा होगा ऐसे करके, यहाँ पे ऑयल रिंग्स होती हैं, यहाँ पे ये पूरा ये भरा होता है ये फ्लूड से, लुब्रिकेंट फ्लूड से, यानी ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है नहीं, एयर है नहीं, लुब्रिकेंट ऑयल इज राइट वन, थर्ड नंबर सही है, फ्यूल, फ्यूल ऑयल से ठंडा जुड़ेन किया जाता है ये, तो फ्यूल ये बर्न होगा उसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लुब्रिकेंट ऑयल राइट है, सही है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, दो प्रोसेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, और पेपर में कई बार इनसे क्वेश्चन आता है, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, उल्टा आंसर देते हैं इसका। स्केवेंजिंग एयर, एक स्केवेंजिंग है, एक आपका है आपका, इसीलिए SCHIOV इसे कहते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं इस चीज़ आपका। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान दे रखना होगा, सॉरी SCA लिख देते हैं, SCAV लिख देते शॉर्टकट में, वो भी एक ही चीज़ है, इसके बाद स्केवेंजिंग ही लिखा होता है वो भी, वहाँ पे H नहीं होता, SCAV होता है। ठीक, देखिए इसी का शॉर्टकट फॉर्म भी यूज होता है कभी कभी, स्केवेंजिंग शॉर्टकट में लिख देते हैं वो SCAV, ऐसे करके ये लिख देते हैं, हम समझ नहीं पाते वहाँ पे क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ में। यहाँ पूछा गया है कि स्केवेंजिंग जो होता है एयर डीजल इंजन का, उसका मतलब क्या है। देखिए स्केवेंजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका बचा हुआ है, जैसे ये है सिलेंडर आपका, ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये पिस्टन है, अब जब ये बर्न होगा तो फ्यूल इसमें कुछ ना कुछ क्या अनबर्न गैसेस जो हैं रह जाती हैं, वो बर्न गैस इसके अंदर है, जल गया, जलने के बाद बचा हुआ है,
इनको बाहर निकालना होगा, इन्हें बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्केवेंजिंग, यानी कि जो है आपका ये वो प्रोसेस है जो बर्न गैसेस को बाहर निकालता है, इंजन सिलेंडर से बर्न गैस को बाहर निकालने का एक प्रोसेस है आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एयर इज़ यूज टू कम्बशन सेंड अंडर द प्रेशर, नहीं, फोर्स एयर कूलिंग सिलेंडर, ये भी नहीं है, बर्न एयर प्रोड्यूस कम्बशन, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट वन, एंड इज़ यूज फॉर द बर्न गैस आउट द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड, इसे बाहर निकालने के लिए आपका ये प्रोसेस है, इसे बाहर निकाला जाता है। देखिए नेक्स्ट वही सेम, ये भी क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग जो होता है आपका, अब सुपर चार्जिंग क्या, जस्ट आप समझ सकते हैं समझने के लिए, इसके व्यंजन का उल्टा है ये, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या है, हम इसमें कई सारे चार्ज को अंदर देते हैं, चार्ज का मतलब क्या, एयर की सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। तो सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एन एयर डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमोसफेयर फॉर कूलिंग, देखिए ऑप्शन को हटा दीजिए जो अननेसेसरी है उसको हटाओ, इंजेक्टिंग द एक्सेस फ्यूल फॉर द लोड के लिए, नहीं, सप्लाइंग द कंप्रेस एयर टू रिमूव द कंबशन प्रोडक्ट फुली, नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। मींस क्या होता है कि सो आपका सुपर चार्जिंग होता है क्या है, सप्लाइंग ग्रेटर मास ऑफ एयर, जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एयर सप्लाई कर देते हैं उसके सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ताकि वो यूज कर सके उसे अच्छे से, क्या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके इंजन की। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन, एयर फ्यूल AF रेशियो से बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा AF रेशियो, इसे भी आपको समझना है कि वही चीज़ लिखा हुआ है, AF रेशियो ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रही है, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो देखिए एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है आपका, पेट्रोल इंजन में क्या है, एक फ्यूल पंप लगा है, गवर्नर है, कार्बोरेटर है, इंजेक्टर है, इसके इंजन, ये सारे में से क्या एयर फ्यूल रेशियो कौन कंट्रोल करेगा, आप ये बताइए मुझे कि जब ये है आपका कार्बोरेटर, कार्बोरेटर है ये, यहाँ पे एयर इंटर होती है, इधर से फ्यूल आता है, फ्यूल इधर से आया, एयर इधर से आया, इसके ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद ये चार्ज, इससे क्या बोला जाएगा, चार्ज, एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करके चार्ज बोलेंगे, चार्ज कहाँ जाएगा, अब जाएगा सिलेंडर में बर्न होने के लिए, ये सारा काम हो कहाँ रहा है, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, कार्बोरेटर में हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो कहाँ कौन कंट्रोल करता है, कार्बोरेटर के अंदर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, इन एस आई इंजन टू हैव द हायर थर्मल एफिशिएंसी, हायर थर्मल एफिशिएंसी को हाई रखना है आपको एफिशिएंसी, द फ्यूल एयर एयर मिक्सचर जो रेशियो होगा आपका फ्यूल का वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, केमिकली करेक्ट होना चाहिए, रिच होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव होना चाहिए, लीन होना चाहिए, कहने का मतलब है आपका, अगर हम नॉर्मली समझें तो एक अगर एक ड्रॉप फ्यूल है तो एयर कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से सारे रेशियोज बनाए जाते हैं, रिच भी, लीन भी, और आपके स्टीच्योमेट्री, इसका होता है SCH जो लिखा होता है इसका, ये होता है स्टीच्योमेट्री का, उससे भी लिखा होता है। जनरली हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर आपका, देखिए जब दोनों का रेशियो इक्वल होता है, एयर का भी और फ्यूल का भी, एयर फ्यूल का रेशियो इक्वल होगा, मैंने कहने का मतलब है उतने ही अमाउंट ऑफ एग्जैक्टली इनफ एयर इज प्रोवाइड टू कम्प्लीटली बर्न ऑफ द फ्यूल, इज कॉल्ड स्टीच्योमेट्री, जैसे कहेंगे हम स्टीच्योमेट्री, जितना रिक्वायरमेंट था एयर का बर्न करने के लिए फ्यूल को, उसे हम कहेंगे स्टीच्योमेट्री। फ्यूल या फ्यूल जो होता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए रेशियोज काम करते हैं। यहाँ पर्टिकुलर हमें पूछा गया है क्या कि हायर थर्मल फ्यूल एयर मिक्सचर, ठीक है, सबके लिए ऐसा इंजन के लिए पूछा गया है खाली, ये स्पार्क इग्निशन जो होते हैं पेट्रोल इंजन, बेसिकली पेट्रोल जो आपके ये स्पार्क जिसमें होता है, ठीक। सेकंड क्या होता है आपका, अगर देखिए अब हमें बोला गया यहाँ पे क्या करना है, थर्मल एफिशिएंसी उनकी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, इसके बाद एक मिनट रुक थोड़ा से, ठीक, इनकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी के बाद, ठीक, गिरा, थर्मल एफिशिएंसी इनकी अच्छी होनी चाहिए, तो हमें मिक्सचर कैसा होगा वो बताना है हमें, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर लीन आपका एयर रेशियो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक, हायर आपकी एनर्जी के लिए, एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर देखिए रिच मिक्सचर है, रिच मिक्सचर है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो लोड है, लोड पावर जो है वो बढ़ जाता है, जो पावर की वेयरिंग कैपेसिटी है इसकी वो बढ़ जाती है, यानी कि इनका मतलब है ओवरऑल पावर बढ़ जाता है, पावर ज़्यादा मिलता है आपको इंजन से, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, फ्यूल ज़्यादा यूज होता है। लीन है, एफिशिएंसी उसकी ईटा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ
एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ने के बाद पावर, पावर इसका क्या होता है कम हो जाता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट ज़्यादा निकलते हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा गया है कि हमें थर्मल एफिशिएंसी हायर रखना है, तो मिक्सर कैसा होना चाहिए, मिक्सर हमारा होना चाहिए लीन, कैसा होना चाहिए लीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट देखते हैं इसे। बोला गया है कि द मीन इफेक्टिव प्रेशर एम ई पी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन द मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, वो रेशियो किस चीज़ का होता है। देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर से हम जनरली क्या है इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं ना, एम ई पी मैंने पहले बताया आपका, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इससे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है, वर्क डन जितना भी कार्य किया जा रहा है वो वर्क डन जितना हो रहा है वो, एंड स्वेप्ट वॉल्यूम कितना वो पिस्टन इधर से इधर आ रहा है उसे कहेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम पूरा, तो वो पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा टी डी सी से बी डी सी तक जितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन अपॉन बे टू द स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे द नेट वर्क डन प्रोड्यूस द क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं, नेट वर्क डन प्रोड्यूस बाय द क्रैंकशाफ्ट ये भी नहीं है, द नेट वर्क डन द स्वेप्ट वॉल्यूम ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वन इज राइट वन ठीक है। तो फ्रेंड आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वेरी वॉन्ट टेक, थैंक यू।